गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 19 जुलाई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। उसके बाद देखेंगे स्पॉटिंग एरर, क्लियर। और आज का एडिटोरियल हमारा है, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, क्वेश्चनेबल इंटेंट, कि जो इच्छा है, जो इरादे, इंटेंट का मतलब एक तरीके से इरादे होते हैं, ठीक है। जो इरादे हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, मतलब वहाँ पर जवाबदेही हो सकती है, सवाल पूछा जा सकता है, क्लियर। और ये किसके ऊपर लिखा पूरा एडिटोरियल है, यहाँ पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र बिल, यानी महाराष्ट्र का जो बिल है, टू टैकल, टैकल करने के लिए एक्सट्रीमिज्म, जो चरमपंथी लोग हैं, गड़बड़ करने वाले लोग हैं, लायबल, लायबलों का ना जो जिम्मेदार होते हैं, वाइड स्प्रेड मिसयूज कि एक्सट्रीमिज को टैकल करने के लिए, और जो लायबल हैं वाइड स्प्रेड लेवल पर, बड़े पैमाने पर मिसयूज करने वाले लोग हैं, उनको टैकल करना है, उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा बिल है, ठीक है। और एक सेंटेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। द बिल टेबल्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कि जो बिल आया है वो किसके द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। टैकल का मतलब हैंडल करने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को बाय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो अनलॉफुल एक्टिविटी होती है उनको। लिंक्ड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कि जो चरमपंथी लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी कर देते हैं, फिर उसको, जो कि अननेसेसरी है, क्लियर, एंड परहैप्स इवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कभी कभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक तरीके से किसी चीज़ का गड़बड़ कर देते हैं, जो संवैधानिक संस्था है या चीज़ है कोई, उसका उसमें भी फेरबदल करना, जैसे कि आप नहीं सुन रहे हो जो पूजा खिड़की का था, जो गलत वो लगा करके जाति प्रमाण पत्र, अब वो बन गई IAS, ठीक है। इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होती है, यानी कि आप सोचिए, IAS एक UPSC के द्वारा होता है ये एग्ज़ाम कंडक्ट, आपको पता ही है, और इतने बड़े एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ी होगी, फेरबदल होगा, तो क्या होना है छोटे छोटे एग्ज़ाम में, तो उसमें भी फेरबदल होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, समझ में आ गया। तो उसके ऊपर लिखा एडिटोरियल है, तो देख लेते हैं हमारे आज के पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैब कौन कौन सी है। एडिक्वेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर्याप्त होता है, अनुरूप होना यानी कि उसी के रूप में होना, यानी कि सफिशियंट फॉर द पर्पज, जो हमारे पर्पज़ के लिए सफिशियंट हो। ऑब्लिक, ऑब्लिक काफ़ी अच्छा वर्ड है, तिरछा, टेढ़ा बोल सकते हैं। स्लैंटिंग, स्लैंटिंग का मतलब तिरछा होता है। इंक्लाइंड, इन डायरेक्शन और कोर्स, क्लियर। क्रैकडाउन का मतलब कड़ी कार्रवाई करना होता है। रिप्रेस या सप्रेस यानी दबा देने के तरीके से कड़ी कार्रवाई करना कानूनी तौर पे। डिसेंटर का मतलब मतविरोधी होता है, यानी कि जो भेद रखता हो मत में। अ पर्सन हु डिसेंट फ्रॉम सम एस्टेब्लिश पॉलिसी, जो पॉलिसी है, रूल है, उसको फॉलो ना करता है, ठीक है। प्रीच का मतलब सलाह देना, उपदेश देना। डिलीवर आ शर्मन जिसको बोल सकते हैं। कंडेमनेशन का मतलब निंदा, तिरस्कार या कंडीशन ऑफ बीइंग स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड, यानी किसी को डिसअप्रूव करना स्ट्रांगली। मिसगैरेज का मतलब दो होते हैं, एक तो सफलता हो, निष्फलता होता है, फेलियर ऑफ आ प्लान, या नेचुरल लॉस प्रोडक्ट और कंसेप्शन, यानी कि जो बेबी होता है, अगर वो मतलब ये जो क्या कहते हैं, बेबी है जैसे शुरुआत में हो रहा है, कंसीव जब होता है तो उसमें अगर गड़बड़ी हो जाए तो वो मिसगैरेज कहलाता है, ठीक है। सॉलिसिट, अगर ING हटा दूँ, वैसे तो प्रार्थना करना है, विनती करना है, याचना करना होता है, इसका मतलब इंसाइट है। मूव और परसुएट मैंने मनाना। सम एक्ट ऑफ लॉलेसनेस, ठीक है, जहाँ लॉ गड़बड़ होता है उसमें विनती करना, ठीक है, तो वो चीज़ कहलाती है। ड्रैकनियन लॉ का मतलब, या ड्रैकनियन बोल दीजिए, तो कठोर या सख्त होता है, ऑफ रिलेटिंग टू द ड्रैकन, या हार्श कोड बोल सकते हो, कानून। सीज का मतलब जब्त करना, ध्यान रखना इस बात को, और कैप्चर द अटेंशन, क्लियर। दूसरा है एविक्ट का मतलब निकाल देना होता है, एक्सपेल कर देना, किसी चीज़ को निकाल देना। ऑक्यूपेंट का मतलब निवासी या घेर लेता है कोई ना, उसको बोलते हैं। किराएदार, उपभोक्ता, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप देखने को आपको मिल सकते हैं एडिक्वेट है, ठीक है, और कंडेमिनेशन है, और आपको क्रैकडाउन मिलेगा। ऑब्लिक भी शायद आया हुआ है, मुझे परफेक्टली उतना अच्छे से याद नहीं है। एविक्ट है और सीज है, ये जो वर्ड है ना वो हमेशा रिपीट होते हैं, तो आप देख लीजिए आप कैसे उन्हें याद करोगे, वो आपका हेडेक है, ठीक है ना, मेरा एक बताने का काम है। फिलहाल अगर इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, ठीक है ना, वहाँ जाइए और PDF ले लीजिए। अगर वीडियो आपको लगती है हेल्पफुल है और, तो उसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है, इतना कर दीजिए तो बड़ा अच्छा लगता है, डेली काम करने में मज़ा आता है। हालांकि अभी फ्रिक्वेंट वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि लाइट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बरसात का टाइम है। देखिए स्पॉटिंग एरर है, CGL 2023 में आए, प्री में बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आते। देखिए, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, तो नीतू के साथ तो है जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, यानी कि एरर देखूँ फर्स्ट पार्ट में है, क्लियर, फर्स्ट पार्ट में एरर है। दूसरा है आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ट्रूथ के आगे हमेशा दा लगता है,
ठीक है। तो एरर की अगर बात करूँ थर्ड पार्ट में, मैं सीधे सीधे बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दर्शन विश्ड ही हैड नॉट, ठीक है। और हैड के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ गॉन आना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजिली आप जज कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो हमारा जो एरर है वो आपका इस वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विल बी एंश्योर्ड, फ्यूचर में लिखा हुआ है, इफ़ ऑल ट्राइड, ये सब पास्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इफ़ दे ऑल ट्राइड, ये सबऑर्डिनेट कंजक्ट, ये हो गया आपका, ठीक है, ये मेन है, तो मेन वाला बदल दीजिए, ये पास्ट में कर दीजिए, ठीक है, वुड कर दो यहाँ पे, ठीक है, सारा ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एरर इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करण कॉल्ड रेस्टोरेंट आस्क कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो, रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो, अच्छा दोबारा लिख गया कोई, इसे कट कर दीजिए। तो देखिए ये पास्ट में है, कुड लिखा हुआ है, तो इसे क्या कर दोगे आप, कॉल्ड कर दोगे, ठीक है। ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, हो गया बैलेंस, यानी कि कॉल वाला केस जो है गलत है, यानी कि पार्ट एरर जो है आपका थर्ड पार्ट में। अच्छा ये इसी नंबर से है, ध्यान रखना, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, चार ऑप्शन होते हैं ना, मुझे लगा सेम उतार दिया, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन, मैंने बहुत जल्दी एक्सप्लेन किया है आज, ठीक है, बट टाइम की कमी रहती है और लाइट का भी कुछ पता नहीं है, सारी चीज़ बैलेंस हो जाएगी, फिर रेगुलर बेस पे वीडियो आने लगेगी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, सही लगे, तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।